आपको लाइट दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड योर फोटिक जोन, है कि नहीं? तो जहां आपको लाइट दिख रहा है वो है फोटिक जोन. आर यू एबल टू सी दिस ड्राइंग? ठीक है, यहां देख रहे हो कि नहीं ड्राइंग? तो इसे जहां तक लाइट जा रहा है उसको हम फोटिक जोन बोलते हैं. तो आप देख रहे हो यहाँ, यू सी हियर, इधर जो मैं तो कल बना के दिखाया आप लोग को था. तो कहाँ गए वो लोग? नाउ ये जो पार्ट है देख रहे हो, ये आपका फोटिक जोन है इधर तक. तो इसका मतलब क्या है? आपका प्लांट्स का ग्रोथ रहेगा, क्योंकि प्लांट्स कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. अंडरस्टूड? तो ये आपका फोटिक जोन है. इधर आप देख रहे हो ये फोटिक के नीचे आ गया, तो इसीलिए आप यहां क्या है, देयर इज नो लाइट. ओके, तो ये जो नीचे वाला जगह है यहाँ कोई लाइट नहीं है. तो जब कोई लाइट नहीं है तो यहाँ क्या है, देयर इज नो वेजिटेशन. तो जब देयर इज नो प्लांट्स, व्हेन देयर इज नो प्लांट्स, देन व्हाट इज द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन? दिखा रहा था इससे पहले ये वाला डायग्राम. तो ये देख रहे हो ये सारा ही पेलाजिक है. तो आप यहां मैंने खड़ा किया किसको? वर्षा. वर्षा और मैं इधर खड़े होकर देख रहे थे मेरा प्रॉपर्टी, एंड वी वर सिटिंग इन अ बोट, एंड मैं उसको दिखा रहा हूं देखो दूर दूर तक जहां तुम्हारी निगाहें जा रही है वो सब मेरा है. समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पेलाजिक है एंड ये वर्टिकल डिस्टेंस भी पेलाजिक है. बट इसमें आप क्या देख रहे हो, ये जो पेलाजिक जोन है, सॉरी डिलीट, ये जो पेलाजिक जोन हम देख रहे हैं ये क्या है, इधर आपका लाइट रहता है, इसलिए ये क्या हो गया, फोटिक जोन. उसके नीचे लाइट नहीं जाता, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ए फोटिक जोन. ओके एंड सो ऑन, बाकी टर्म्स हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. ओके, अब ये आपका वर्टिकल सेक्शन दिखाया जा रहा है. वर्टिकल सेक्शन में देखिए ये वाला फोटिक जोन है, एंड यहां से यहां क्या है, ये ए फोटिक जोन. ठीक है, तो दिस इज अ कंसेप्ट. तो आज ये जो एबिसल लिखा है, एबिसल का मतलब है टोटली डार्क. फोटिक जोन में क्या है, सनलाइट का पेनिट्रेशन है इसलिए वो इल्यूमिनेटेड रहता है. ए फोटिक जोन का मतलब क्या है, सनलाइट का पेनिट्रेशन नहीं है, बट जो थोड़ा मोटा लाइट है वो किस लिए है, फोटिक जोन के लिए है. बट जो एपिसल है ये पूरे अंधेरे जोन होगा, टोटल डार्क जोन. तो इसलिए आपको एबिसल में किस तरह के जानवर दिखेंगे, ऐसे देख रहे हो, ये जेजेस का नोट है जो आपने मना किया कि हमको नहीं चाहिए, ये देखिए. तो दीज आर द एबिसल ऑर्गेनिज्म. तो व्हाट इज द स्पेशलिटी यू आर सी? ब्यूटिफुल, तो दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन. आ गया मजा? तो ये कौन से नोट में मिलता है आप देख के बता देना. चलिए, इसलिए अगर आप जेसी जेजेस का अपमान किए तो ये सब आपको सपने में भी नहीं मिलेगा. चलिए, सो तब आपको सपने में मिल जाए तो अलग बात है, बट और कोई देने वाला नहीं. नो आलू नो कालू. तो अब हम लोग टॉपिक पे चले जाते हैं. भूमिका आप अपना थोड़ा खिड़की खोलिए. भूमिके ओपन योर वीडियो.
ना अभी मैंने ना एक पेपर बनाया हुआ है कि किसको किसको मैं क्लास में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कल मैंने आपसे मांगा था कि नहीं, एंड सपोज गिरिजा को मैंने 5 क्वेश्चन पूछा, उसने 4 आंसर दिया, तो ये सब मैं टिक करके लिख रहा हूँ। भूमिका को वीडियो खोलने बोला, उसने नहीं खोला, वो मैं उधर लिख रहा हूँ। तो आप ये सब आपके घर को भेजूंगा फोटो, एंड आपको मम्मी डैडी बोलते ना सर बच्चों को नाम से बुलाओ, उनको क्वेश्चन पूछो, तो अब कौन कितना क्वेश्चन का आंसर दे रहा है सब कुछ मैं बताऊँ। ओके चलिए, तो इसमें गिरिजा को टेंशन नहीं है क्योंकि वो गुड बॉय है, सर, वो क्वेश्चन का आंसर सर, देता है। हाँ तो तू गुस्सा क्यों हो रही है? तो नहीं मैं तेरे को इसलिए ऑन करने बोला कि तुम्हारा थोड़ा फेस वैल्यू देख लिया जाए। ओके बिकॉज प्लेस वैल्यू में तुम कहाँ वो दिखता नहीं है, तो फेस वैल्यू दिखना चाहिए कि ना। सुनिए आप अटेंडेंस लेते रहेंगे, ओके तो जिसका यू नो दैट यू हैव टू टेक द अटेंडेंस, ओके एंड ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है इसमें सब नाम है कि नहीं, तो यहाँ से भी आप नाम ले सकते हैं। यस सर। चलिए तो यू कैन टेक द अटेंडेंस नाउ, ऑलवेज बी रेडी। ये जो डिटेल भी है मैं वो तुर को भी भेज दूंगा कि तू क्लास में सो रही थी या क्या कर रही थी एक्सेट्रा। चलो सो नाउ यू कैन स्विच इट ऑफ, सो नाउ लेट्स गो अहेड। गिरिजा इज अ गुड बॉय, वो हर समय स्विच ऑन मोड में रहता है, वीडियो मोड, और तुम लोग बैड बॉयज गर्ल्स हो, तुम लोग ऑफ करके रहते हो। चलो नेक्स्ट ना, उसके बाद आ जाइए। तो अब हम लोग चले गए थे कल, कौन सा टॉपिक हम लोग लास्ट डिस्कस कर रहे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे पेलाजिक, है कि नहीं? तो इसलिए पेलाजिक का मतलब क्या है? जो भी आपको नजर में दिख रहा है पानी, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड व्हाट? दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड पेलाजिक। एंड इसका डेप्थ वैरी करता है, एंड जनरली आप जानते हो ये सब टर्म्स कहाँ मिलेंगे आपको? ये सब टर्म आपको ओशंस में मिलेंगे, क्योंकि नदी जनरली, नदी हो या आपका जो पॉन्ड हो, वो कभी भी 200 मीटर से ज्यादा डीप नहीं होता है। रेयरली यू विल फाइंड नदी विच इज डीपर देन 200 मीटर्स, ओके, बट ओशंस में आपको मिलेगा जरूर। क्लियर? तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एबिसल, ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एबिसल। तो दीज एनिमल्स लिव इन द डेप्थ ऑफ द ओशन और सी, ओके, दे आर नोन एज एबिसल। द एबिसल जोन और एबिसो पेलाजिक इज अ लेयर ऑफ द पेलाजिक जोन ऑफ द ओशन, ओके। एबिस का मतलब क्या होता है? एबिस डिराइव्स from the Greek word, okay, meaning pelagic, okay, from the Greek word meaning pelagic, या bottomless, ठीक है जी? उसका कोई नीचा नहीं होगा। तो at depths of 4,000 to 6,000 meters, this zone remains perpetual dark, तो ये हर समय पूरा अंधेरा रहता है, and never receives daylight. तो इसलिए इसको totally dark zone बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं animals, okay, इनके बारे में हम एक चीज श्योर कह सकते हैं, animals occupying, animals occupying the क्या? Animals occupying this layer produce light of their own. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? Bioluminescence. Okay, this is called bioluminescence. And क्या? Yeah, or. Everybody may not produce light, or they are blind, and their eyes are क्या? उनका eyes के बारे में क्या बोलेंगे बोलो?
बोलो व्हाट कैन यू टेल अबाउट द राइस साइना रूडिमेंटरी आइस गुड रूडिमेंटरी या वेस्टिजियल ओके तो उनके आंखें वेस्टिजियल होंगे आप एक एनिमल का नाम सुने हो कि नहीं एग्जाम्पल Have you heard this animal? No, sir. Blind no, sir. salamander. तो ये क्यों blind है? बोलो. Why it is blind? Because it lives in Africa. Because it lives in Africa. Lives in Africa. उसका ज़रूरत नहीं होगी. तो सब story मत बोला करो. इसका क्यों हम लोग बोलते हैं? Because they live in cave where there is no light. ठीक है तो जब light नहीं है तो देखने का जरूरत क्या है Understood? Develop other senses. Do all netophores live in abyssal zone? What is netophore again? Comzelis. Oh, that is not netophore. इज्जत डुबा दिया भूमि के अरे बचाओ एक नीटोफोर नहीं है इडियट दैट इज कॉल्ड टेनोफोर है चलिए चलिए वही चीज है ना यही टीचर टीचर का फर्क होता है अगर मैं डांट दिया अभी आपको जिंदगी भर याद रहेगा सर एंगलर फिश भी इसमें जाएगा ना एब्सोल में अब तुम लोग को मार खाने का कोई बहाना चाहिए तो बोल दिया करो अब तुम हर फिश का नाम गिनोगे क्या बैठ बैठ के इधर क्लास में तो आपको मैंने सिंपली बोल दिया लाइट प्रोड्यूसिंग मतलब वो जरूर एब्सोल में रहता है बस खत्म अब आ जाइए बेंथॉस उसका मतलब क्या बोलो They live on. Okay, found. मैं इसको लिख दे रहा हूं Living on the floor. है कि नहीं तो जो लोग समुद्र के मिट्टी में बैठते हैं they are called benthos. सबसे best example है Echinoderma. Okay? Echinodermata जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है Echinodermata एंड उसमें आपका स्टारफिश सी क्यूकम्बर सब आ जाएगा है कि नहीं तो ये जो सारे हैं दीज आर बेसिकली व्हाट benthos माने दे आर फिक्स ऑन द या दे क्रॉल ऑन द ओशन है गला तापरे उड़े टर्म अच्छी सबटेरानियन तो व्हाट इज सबटेरानियन बिलो ओशन फ्लोर ओके समझ में तो ये लोग मिट्टी के नीचे रहते हैं तो दीज आर एनिमल्स विच लिव अंडर द सी फ्लोर ओके सी फ्लोर तो ये लोग क्या करते हैं इन बरोस है कि नहीं तो ये लोग समुद्र के फ्लोर में भी बरोस बना के उसके नीचे रहते हैं अंडरस्टूड तो दैट इज द कांसेप्ट तो दीज आर एनिमल्स व्हिच लिव अंडर द सी फ्लोर इन बरोस ठीक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सबटेरानियन Now I will try to show you a photograph. So are you able to see this diagram? Okay. दिख रहा है सबको? Yes sir. तो ये आप क्या देख रहे हो? ये सारे जमीन में नीचे पड़े हुए हैं. तो ये क्या है? वो
वो क्या है एक कौआ है, ऐसे गाना गाओ, समझ रहे हो? तो ये क्या है, यह है सी कुकुम्बर, ये क्या है स्टारफिश, बोलो स्टारफिश, स्टारफिश, स्टारफिश कहाँ दिख गया तुमको? हाँ ये स्टारफिश है, ये क्या है सी कोरल, नो दिस इज कॉल, दिस इज कॉल क्या 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 क्या, हु टोल्ड व्हाट नाउ, सी एनिमल, उसके पहले क्या बोला, प्लांट, अबे इडियट, पेंथोस में प्लांट मिलेगा तुमको, वहां तो लाइट ही नहीं होता है। सर सी कोरल बोला उसने, नहीं कोरल्स नहीं है, मैंने कोरल्स जो है निडारिया होते, तो ये आपका है सी लिली, डोंट बी सिली, ये है आपका फेदर स्टार या हार्ट अचीन, ओके ये सब एकाइनोडर्म्स है, मैंने बोला ना दीज आर ऑल एकाइनोडर्म्स। नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर, देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर डायग्राम तुम्हारे लिए ढूंढ के निकाला, तो इस डायग्राम से आप क्या बता सकते हो, प्लीज लुक एट दिस लाइन, ये लाइन देख रहे हो, ये मिट्टी इधर क्यों है, इतना गैप है, पूछिलो, तो एक्चुअली ये देख रहे हो यहां तक रात को पानी चढ़ता है, देखो तो इधर मिट्टी था, see the soil here, I will try to increase the magnification, please look here, ये माटी देखो चाहिए माटी टा, तो ये माटी तो मुझे कौन suggest करूँ थी, that आपका रात में इतना ऊंचा तक पानी चढ़ जाता है, understood? तो ये कौन सा हो गया, so this is basically high tide mass, बले बले, एंड यहां देख रहे हो नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, तो दिस इज बेसिकली लो टाइड मार्क, ठीक है जी, तो एटा होची हमारा कौन लो टाइड मार्क, तो आप ये कौन सा जोन हो गया, तो दिस इज इंटर टाइडल जोन है कि नहीं, दिस इज इंटर टाइडल जोन, तो इसीलिए इधर के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, लिटोरल, कोई शक? नो सर, नो सर, आर यू एबल टू इमेजिन और नॉट, देखो आपको कोई जबरदस्ती नहीं है मानने के लिए, मैंने आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आर यू एबल टू, आर यू एबल टू, आर यू एबल टू फाइंड दिस, ये देखो मिट्टी देख रहे हो, ये मिट्टी आपका ऐसा लग रहा है कि भीगा भीगा है, ओके भीगा भीगा है समा ऐसे में तुहे कहा, तो ये देख रहे हो ये भीगा भीगा मिट्टी है, ओके ये नॉर्मल मिट्टी का रंग नहीं है, इसका मतलब रात को यहाँ तक पानी चढ़ जाता है, फिर सुबह उतर जाता है, फिर रात को चढ़ जाता है, फिर सुबह उतर जाता है, तो ये आपका इंटरटाइडल जोन, so do you like my collections of photograph? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. So आप यहाँ देखे भी है, यहाँ देखिए, these are the different types of animals. आप देख रहे हो, ये आपका अलग अलग तरह के animals हैं. Lowest tide mark में कहाँ है? Middle tide zone. तो ये आपके लिए मैं save नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को तो चाहिए नहीं. तो इसलिए ये आपके अलग अलग types of animals हैं. कौन आपका, दीज आर ऑल लिटोरल एनिमल्स, ठीक है, ये सारे जो जानवर हैं ये क्या हैं, ये लिटोरल जानवर्स हैं, तो माने को जंतुडा कोट ही मिलुची वो सारा इसमें मेंशन है, ओके सो सिंस यू डोंट वांट आई एम नॉट सेंडिंग, चलिए नेक्स्ट, सर वी वांट, सर हु सेड वी डोंट वांट, ओ भूमिका वाज टेलिंग मी, यस सर वी वांट, तो तू भूमिका को पिटना चाहिए, मारो उसे, मारो, समझा, तो चलिए, सो ये हमारा हो गया क्या, तो दिस इज अबाउट क्या, दिस इज अबाउट योर पेंथोस एंड लिटा, अलग अलग फोटो हमने देख लिया, आप तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, बोलिए, अब आ जाएगा हमारा
जो नेरिटिक हमने डिस्कस किया था, तो व्हाट इज नेरिटिक, बोलो व्हाट डिड वी डिस्कस इन नेरिटिक? दे लिव इन टॉप 200 मीटर्स विद इन द वाटर बॉडी. वेरी गुड. ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं नेरिटिक. तो नेरिटिक का मतलब क्या है? दे लिव, अगर लिख दिया जाए तो व्हाट इज नेरिटिक. ओके, नेरिटिक एनिमल्स जो हैं, दीज आर पेलाजिक फॉर्म्स दैट लिव इन कोस्टल वाटर्स वेयर सी बॉटम इज अप टू 200 मीटर्स डीप. ओके, माने 650 फीट. ठीक है जी. Now it is approx. It is the proximity to the sun makes it richly productive. क्यों? आपका food plants भी होंगे, आपके animals भी होंगे. तो यहाँ जो fishes मिलेंगे, herbivorous fish भी मिलेगा, filter feeder भी मिलेगा. Okay? हर तरह के animal इधर मिलेंगे. Understood? तो यह आपका आ गया narrative. तो उसके बाद आएगा term oceanic. What is oceanic? जो बिलो 200 मीटर्स मिलते हैं. ओके, तो बिलो 200 मीटर जो एनिमल मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड ओशियन. ठीक है जी. सो नेक्स्ट पॉइंट है ओशियनिक. आप लोग ये कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं? हाँ, ऑल ऑफ यू राइट डाउन इन योर कॉपीज. ओके, चलिए, तो वो आप अपना लिखते रहना. चलिए, तो ये आपका ओशियनिक हो गया. तो दोज एनिमल्स विच लिव अंडर 200 मीटर्स डेप्थ, उनको हम लोग बोलेंगे क्या? आपका ओशियनिक. उसके बाद हम एक नोट लिख लेते हैं. नोट जो है हम लोग हर समय रेड में लिखेंगे. ऑलवेज यूज कलर पेन्स. तो डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ द ओशन, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू नंबर वन एपिपेलाजिक, नंबर टू मेसोपेलाजिक, ओके ओके बैथिपेलाजिक, एंड नंबर थ्री बैथिपेलाजिक, एंड नंबर फोर एबिसोपेलाजिक. तो एपिपेलाजिक का मतलब क्या है? दिस इज इन डायरेक्ट सनलाइट. मेसोपेलाजिक का मतलब क्या है? आपका सनलाइटेड जगहों से मिल रहा है लाइट. बैथिपेलाजी का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कम हो गया है. ओके, बट थोड़ा थोड़ा सा उजाला है. इट इज जस्ट लाइक योर जहां अंधेरे में कहीं कहीं एक तो दूर में ट्यूबलाइट लगा होगा, उस तरह से ये दिखेगा. इस थोड़ा सा लाइट है. एंड एबिसो का मतलब क्या है? नो लाइट. ठीक है, तो ये आपका हो गया एक नोट, इसको आप याद रखें. तो अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? तो वी हैव डिस्कस्ड द टेरेस्ट्रियल टॉपिक्स, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द पार्ट, बोलो, एक्वाटिक एक्वाटिक टॉपिक्स. अब एक्वाटिक टॉपिक्स में भी यहाँ हमारे दो अलग अलग तरीके के टर्म आ जाएंगे. बेसिकली with respect to fresh water. So with respect to fresh water systems, ठीक है, तो इधर हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे? लिम्नेटिक. ओके, तो लिम्नेटिक मतलब जो ऊपर है, जहां लाइट मिल रहा है. तो दीज एन एनिमल्स दैट इनहैबिट द ओपन वाटर्स, हियर फाइटोप्लैंकटन ग्रो इन अबंडेंस. इन दिस जोन लाइट में पेनिट्रेट अप टू 40 मीटर. ओके, तो जो सी अगर आपका जो पॉन्ड है उसमें बहुत घनत्व है, ए लॉट ऑफ प्लांट्स आर देयर, व्हाट विल हैपन टू द पेनिट्रेशन ऑफ लाइट? सर, लाइट पेनिट्रेशन विल डिक्रीज. इज इट गुड? यस सर. नो सर, फॉर द प्लांट्स इट इज बैड. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी? कैन यू टेल मी, ये लेक्स में क्या हो गया? ये सब आप पढ़ चुके हो. यूट्रोफिकेशन. वेरी गुड. यूट्रोफिकेशन. वेरी गुड. हु टोल्ड दिस आंसर? सर जतिन.
यस आई नो यू आर अ गुड बॉय. जतिन जो है परफेक्ट बोला, उसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन, मतलब इतना सारा पेड़ पौधा हो गया कि उधर मछलियों का भी हिलना डुलना मुश्किल हो गया. तो इसका क्या किया जाए, तो बीओडी क्या हो जाएगा? अच्छा, व्हाट इज बीओडी? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो अगर आपका जो यूट्रोफिकेशन बढ़ गया है तो डिमांड क्या हो जाएगा, घटेगा ना बढ़ेगा ऑक्सीजन का? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा सर, प्लांट्स का बढ़ेगा सर, घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, द ऑक्सीजन डिमांड विल राइज. तो कौन सा लेक अच्छा है, हाई बीओडी या लो बीओडी? सर मीडियम. मीडियम, मीडियम सर, लो बीओडी. नो नो नो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर मीडियम, हु टोल्ड मीडियम. क्योंकि लो बीओडी में भी क्या होगा, मछली को खाना पीना नहीं मिलेगा. तो मैंने जो आपको दिखाया मेरा पॉन्ड का फिश वाला, देखे थे कि नहीं आप लोगों ने? तो दैट पॉन्ड इज देयर इन माय ओन फार्म. तो वो हम लोगों ने जस्ट खोदा था, इसलिए वो जो मछलियां ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे. क्यों बढ़ नहीं रहे थे, उनके लिए खाना नहीं था. तो इसलिए अगर लो बीओडी होगा तो भी आपका फूड नहीं होगा खाने के लिए, तो ऑर्गेनिजम्स बचने में मुश्किल होगा. किंतु हाई बीओडी क्या होगा, वहां भी ऑर्गेनिज्म को बचने में मुश्किल होगा. क्यों? बिकॉज वहां आपका अवेलेबल ऑक्सीजन कम हो जाएगा. वेरी गुड. तो उसके बाद है प्रोफुंडल जोन. ओके, तो प्रोफुंडल जोन का मतलब है द एनिमल्स दैट लिव इन डीप वाटर जोन. ओके, तो ये आपका बेसिकली फ्रेश वाटर के लिए है, लिमनेटिक एंड प्रोफुंडल. तो जो जिम्मे महानदी, महानदी हमें यदि ब्रिज को पड़ेगा तो वहां आई थिंक दैट विल बी डीपर, वो शायद 200-400 मीटर तो होगा ही, है कि नहीं? तो वहां आपको प्रोफुंडल जोन मिलेगा. ओके, बट मेरे बंध में मिलेगा आपको प्रोफुंडल जोन? नो नो माई बंध, बिकॉज मेरा जो बंध है वो मैक्सिमम 6 to 10 feet डीप है. तो 6 to 10 feet में आपका मैंने 3 meter 4 meter, तो इसका मतलब वो प्योरली फोटिक जोन में आता है. कुछ गला मजा आ गया कि नहीं जतिन? yes, जतिन मजा आ कि नहीं? यस सर. चलो गुड. तो अब हम लोग चले जाएंगे जो टाइप ऑफ फ्रेश वाटर. तो फ्रेश वाटर के टाइप में और दो टर्म्स हम ऐड कर सकते हैं, एक है लेंटिक, एक है लोटिक. नाउ समझ रहे हो, लेंटिक एंड लोटिक. तो लेंटिक का मतलब क्या है, तो फ्रेश वाटर सोर्सेज विच आर फ्री फ्लो, फ्लो ओ, फ्लो ओ, फ्लो लो, फ्लो लो, फ्लो लो, फ्लो लो, फ्लो लोटिक. तो याद रखना आसान हो गया. तो जहां लो वहां लो, तो जहां पानी फ्रीली फ्लोइंग है उस तरह के इकोसिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लोइंग, क्या? लोटिक इकोसिस्टम. ठीक है. एंड जो बंधा हुआ है लेक्स, लेक्स को हम क्या बोलेंगे, लेंटिक इकोसिस्टम. तो ये लोटिक है. एंड वेयर एज स्टैंडिंग वाटर कहां मिलेगा, लेंटिक. तो मेरा पॉन्ड जो है वहां क्या होगा, लेंटिक होंगे. लेंटिक. एंड जो मेरा जो घर के सामने जो केनाल है वो है लोटिक. समझ रहे हो? नाउ डू यू नो व्हाई अ फिशेस इन द एक्वेरियम डाई? बिकॉज दे यूज्ड टू लिव इन लोटिक कंडीशन एंड सडनली इफ दे आर केप्ट इन ए landing condition. Landing condition.